नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना नोट्स, जिसमें आज का हमारा एजेंडा रहेगा LMC और MMC क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट मटेरियल कंडीशन एंड मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। इनको कब यूज़ करते हैं LMC एंड MMC को, होल बेस सिस्टम एंड शाफ्ट बेस सिस्टम क्या होता है, फिटमेंट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ फिटमेंट क्या होता है, एंड डेजिग्नेशन ऑफ फिट क्या होता है फॉर होल बेस सिस्टम एंड शाफ्ट बेस सिस्टम के लिए। दोस्तों, ये सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, बिकॉज जो ये सारे टॉपिक हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। शुरुआत करते हैं लीस्ट मटेरियल कंडीशन, यानी कि LMC क्या होता है। इट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए फीचर वेयर द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट विद इन इट्स स्पेसिफिकेशन लिमिट। ये कह रहा है दोस्तों, ये किसी भी पार्ट के फीचर की वो कंडीशन है जहाँ पर लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जहाँ पर सबसे कम अमाउंट में मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। ठीक, यहाँ पर फीचर से मतलब ये है किसी भी पार्ट का, कोई भी होल हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है, कोई भी फेस हो सकता है। ठीक है, अब चलिए अब डिस्कस करते हैं MMC, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन किसी भी पार्ट के फीचर की वो कंडीशन है जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट होगा विद इन इट इज टॉलरेंस। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं MMC और LMC का। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर होल, यानी इंटरनल डायमीटर के लिए। ठीक है, सपोज दैट कि ये आपका कोई कंपोनेंट है। ठीक है, उस कंपोनेंट में ये कोई होल है जो कि 20 mm का है और उसकी टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.5। ठीक है, और इस पे MMC लगी हुई है। तो वहाँ पर MMC कब एग्जिस्ट करेगी, जब इस डाया का साइज लोअर साइड होगा, यानी कि 19.5 mm का होगा, तब यहाँ पे इस होल पे MMC एग्जिस्ट करेगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब हम वहाँ पे और मटेरियल को ऐड नहीं कर सकते, हमने मैक्सिमम मटेरियल ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अगर हमने वहाँ पे और ज़्यादा मटेरियल ऐड किया तो इस डाया का जो साइज है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और LMC कब एग्जिस्ट करेगी इस होल पे, व्हेन डाया इज हायर साइड, यानी कि जब इस डाया का हायर साइड होगा, यानी कि 20.5 mm पे होगा, तब वहाँ पे इस होल पे LMC एग्जिस्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हम वहाँ से, हमने ऑलरेडी मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव कर दिया है, अब यहाँ पे लीस्ट मटेरियल बचा हुआ है, यानी कि सबसे कम मटेरियल बचा हुआ है और इसका साइज है 20.5 mm। अब अगर यहाँ से हमने और ज़्यादा मटेरियल को रिमूव किया तो ये साइज जो है ये स्पेसिफिक लिमिट से बाहर चला जाएगा और कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। फॉर इंटरनल होल के लिए MMC और LMC कब एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फॉर एक्सटर्नल होल, यानी कि आउटर डायमीटर के लिए। ठीक है, सपोज दैट कोई शाफ्ट है हमारी और उसका साइज जो है वो 20 प्लस माइनस 0.5 mm का है। ठीक है, तो इस पे MMC कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन डाया इज हायर साइड, यानी कि इसका डाया जब हायर साइड होगा, यानी कि 20.5 mm का होगा, तब यहाँ पे MMC एग्जिस्ट करेगी। यानी कि सपोज दैट यहाँ पर हमने मटेरियल ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मटेरियल ऐड कर दिया तो जो इसका साइज है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया और इसका जो डायामीटर है वो हायर साइड पहुँच गया 20.5। तो जब इसका डाया 20.5 mm होगा तब यहाँ पे MMC एग्जिस्ट करेगी, यानी कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अब हम यहाँ पे और ज़्यादा मटेरियल को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मटेरियल ऐड किया तो हमारा डाया जो है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर चला जाएगा, ओवरसाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे LMC कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन डाया इज लोअर साइड, जब डाया यहाँ पर लोअर साइड होगा, यानी कि 19.5 mm पे होगा, तब यहाँ पे लीस्ट मटेरियल कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अब यहाँ से हम और ज़्यादा मटेरियल को रिमूव नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमने मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये दोस्तों इंटरनल होल और एक्सटर्नल होल के लिए क्या है डिफरेंस, इसलिए है जब हम इंटरनल होल से मटेरियल को रिमूव करते हैं तो जो हमारा साइज है वो क्या हो जाता है, इंटरनल होल का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब हम किसी शाफ्ट से या किसी आउटर डाया से मटेरियल को रिमूव करते हैं तो आउटर तो क्या होता है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दिया गया है आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर के लिए। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं इसको ड्राइंग में कैसे दिया हुआ मिलेगा। ड्राइंग में जो है वो इस आपको इस तरीके से दिया हुआ मिलेगा। इसको हम कंप्लीट को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। इसके बारे में ऑलरेडी GDNT के टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो MMC और जो LMC है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल में। अगर सर्कल के अंदर M लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे मैक्सिमम मेटल कंडीशन लगी हुई है, और अगर सर्कल में जहाँ पर L लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि वहाँ पर लीस्ट मेटल कंडीशन लगी हुई है। और दूसरी बात यह है कि MMC और LMC जो है वो टॉलरेंस जोन में ही दी हुई मिलती है, इसको टॉलरेंस बॉक्स में टॉलरेंस जोन के साथ ही दिया जाता है। ठीक है, और इसको हम मैक्सिमम मेटल कंडीशन या LMC लीस्ट मेटल कंडीशन को हम एज ए मॉडिफायर सिंबल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसको यूज फिटमेंट के लिए किया जाता है, यानी कि जहां पर भी आपका MMC लगी हुई है उसका मतलब यह है कि वो जो है जब होल अपनी मिनिमम कंडीशन पे होगा यानी कि मिनिमम साइड होगा तब भी उस होल की फिटमेंट में कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, एक नोट्स दिया हुआ है यहाँ पर, सम मटेरियल कंडीशन कैन नेवर अप्लाई ऑन टू सेम मैटिंग पार्ट। ठीक, ये कह रहा है कि कोई सेम मेटल कंडीशन यानी कि MMC हो या LMC हो, वो अगर कोई दो हमारे मैटिंग पार्ट हैं उस पर दोनों पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे कोई दो मैटिंग पार्ट्स हैं, ये हमारा कोई इंटरनल होल है, ये हमारी शाफ्ट है, सपोज दैट कि इसको इस शाफ्ट में इसको फिटमेंट करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मान लो इस होल पे MMC लगी हुई है, ठीक है, तो शाफ्ट पे MMC नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि इस होल पे MMC का मतलब ये है कि इस होल का डाया जो है वो मिनिमम साइड होना, और शाफ्ट का मतलब ये है अगर शाफ्ट पे MMC लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि शाफ्ट का जो डायमीटर है वो हायर साइड होना। दोस्तों अगर इस होल का डाया जो है वो अपनी लोअर साइड होगा और शाफ्ट का डाया जो हायर साइड होगा तो क्या है फिटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो या तो किसी एक पे MMC दी हुई मिलेगी या दूसरे पे LMC दी हुई मिलेगी, नहीं तो फिर क्या आपको किसी एक पे MMC या LMC दी हुई मिलेगी, दूसरे पे कुछ नहीं दिया हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात हमेशा ज़रूर ध्यान रखना कि दोनों सेम मेटिंग पार्ट पे कभी भी सेम मटेरियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि फिटमेंट इशू के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो इस होल पे MMC लगी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर ये होल हमारा लोअर साइड होगा तो भी शाफ्ट के साथ फिटमेंट करने में कोई इशू नहीं आएगा। ये चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं फिट और फिटमेंट क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट फ्रेंड्स कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक कंपोनेंट तैयार कर दिया, कहीं ना कहीं जाके वो कंपोनेंट असेंबल होगा, या तो आपके इंटरनल प्रोसेस में जाके कहीं ना कहीं असेंबल होगा, या फिर आपके कस्टमर एंड पे जाके कहीं ना कहीं दूसरे कंपोनेंट के साथ में फिटमेंट होगा यानी कि असेंबल करेगा। ठीक है, तो जो ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू मेटिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड फिटमेंट। ठीक है, जो रिलेशनशिप है दो मेटिंग कंपोनेंट का वो क्या कहलाता है, फिटमेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फिटमेंट, जो ये कितने प्रकार की रिलेशनशिप होती है, या इसको आप बोल देते हैं टाइप्स ऑफ फिट, यानी कि फिट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसको यहाँ पर डिस्कस किया है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिटमेंट। ठीक, पहली फिटमेंट है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्या होती है, क्लियरेंस फिट अलाउज लूज मेटिंग वेयर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्ले इज डिजायर्ड। ठीक है, क्लियरेंस फिट वो होती है जहाँ पर आप मान लीजिए कोई कंपोनेंट का फिटमेंट कर रहे हैं, एक होल में एक शाफ्ट को फिटमेंट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत प्ले रहेगी तो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। इसको फिटमेंट करने में हमें एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ईजिली फिटमेंट हो जाती है और थोड़ी बहुत प्ले भी बचती है इसमें। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ये कोई हमारा होल है, ठीक है, जिसकी ये अपर लिमिट दी हुई है, देखो यहाँ पर दी हुई है अपर लिमिट ऑफ होल, और जो ये दी हुई है यहाँ से ये दी हुई है लोअर लिमिट ऑफ होल। ठीक है, और जो ये शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है हमारा टॉलरेंस जोन, यानी कि होल का टॉलरेंस जोन। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो दी हुई है ये आपको शाफ्ट दी हुई है, ठीक है, और हमने इसमें शाफ्ट को फिटमेंट करना है। ठीक है, तो जो ये आपका जो ब्लैक शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपको क्लियरेंस दिखाई दे रही है, यानी कि हमने शाफ्ट को फिटमेंट कर दिया तो इतनी हमारी क्लियरेंस बच गई, तो इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। ठीक है दोस्तों, अगला है इंटरफेरेंस फिट। जैसे कि नाम से हमारा क्लियर हो रहा है, इंटरफेरेंस यानी कि इंटरफेयर करना। ठीक है,
इंटरफेरेंस फिट वो फिट होती है जिसे फिटमेंट करने में हमें एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये इंटरफेरेंस फिटमेंट है, ये बहुत ही टाइट फिटमेंट होती है क्लियरेंस फिट के मुकाबले में, ठीक है। और इसको फिटमेंट करने के बाद जो है पार्ट हमारा मूवमेंट नहीं करता है, हमने एक बार इंटरफेरेंस फिट कर दी तो पार्ट जो है वो हमारा मूवमेंट नहीं करेगा, टाइट फिटमेंट होगी। और क्लियरेंस फिट में क्या है, फिटमेंट करने के बाद जो है वो हमारा पार्ट जो है बहुत ही ईजिली तरीके से मूव कर सकता है क्योंकि उसमें प्ले बचती है, ठीक है। होता है इंटरफेरेंस फिट एक टाइटमेंट फिटमेंट होती है। एक एग्जांपल मैं फिटमेंट देता हूँ, जैसे डबल पिन, ठीक है। सपोज दैट आपका कोई कंपोनेंट है उसमें कोई डबल बने होंगे, तो जब उसमें डबल में जो पिन की जो फिटमेंट होती है वो बहुत ही टाइट फिटमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। या फिर दूसरा एग्जांपल है प्रेस ए बुशिंग, आपने अपने घरों के पंखों में देखे होंगे जो बुशिंग की जो फिटमेंट होती है फैन में, ठीक है, बियरिंग के साथ में, वो जो है वो टाइट फिटमेंट होती है, उसको हम इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं ट्रांजिशन फिट क्या होता है। दोस्तों ट्रांजिशन फिट क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच की कंडीशन होती है। ट्रांजिशन फिट में ना तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती फिटमेंट करने के लिए, और ना ही इसमें प्ले बचता है, और ना ही इसमें टाइट फिटमेंट होती है। ये एकदम प्रिसाइज फिटमेंट होती है, एकदम एक्यूरेट फिटमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा गेज, जो गेज की जो फिटमेंट है कंपोनेंट के साथ, या जब आप गेज की रिंग के साथ कैलिब्रेशन करते हो, मास्टर रिंग सेट करते हो, तो आपने देखा होगा प्लग गेज और रिंग गेज जो एकदम बिल्कुल फिटमेंट होते हैं, जो उनकी वो जो है वो प्रिसाइज फिटमेंट होती है, एक्यूरेट फिटमेंट होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन फिट, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ फिटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जो भी आपका डाउट हो, ठीक है। अब हम समझते हैं दोस्तों होल बेस सिस्टम और शाफ्ट बेस सिस्टम क्या है, जो ये फिटमेंट करने का जो सिस्टम है हम उनको समझेंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि होल बेस सिस्टम क्या होता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि होल बेस सिस्टम, यानी कि जो इस सिस्टम में होल बेस सिस्टम में क्या है कि आपका जो होल का डायमीटर है वो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, और शाफ्ट का डाया को हम अपने फिटमेंट के अकॉर्डिंग हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें मान लो क्लियरेंस फिटमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, शाफ्ट के डाया को कम कर देंगे, या हमें ट्रांजिशन फिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, शाफ्ट के डाया को इनक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। जैसा हमें फिटमेंट चाहिए वैसा हम फिटमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, होल जो ये जीरो लाइन आप दिखाई दे रहे हो, ये जीरो लाइन, इसमें जो जीरो लाइन होती है वो होल की लोअर लिमिट होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है ये होल है और ये इसकी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये होल की अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ठीक है। तो जो है इसमें जो जीरो लाइन होती है यानी कि जो बेस लाइन होती है वो होल की लोअर लिमिट होती है, और जो इसमें टॉलरेंस होती है होल में वो जो हमेशा प्लस साइड में होती है होल की टॉलरेंस, ठीक है, माइनस में नहीं हुई, माइनस में आपको नहीं दी हुई मिलेगी, आपको जो होल की टॉलरेंस है होल बेस सिस्टम में वो आपको प्लस साइड ही मिलेगी, ठीक है। थोड़ा और क्लियर कर रहते हैं, जो इसमें जीरो लाइन होती है वो होती है मिनिमम डाया ऑफ होल एंड द लोअर लिमिट साइज ऑफ द होल इज इक्वल टू द बेस साइज ऑफ होल। ये कह रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ साइज ऑफ होल, जो ये लोअर लिमिट है होल की, ये किसके इक्वल होती है, बेस साइज ऑफ होल, जो होल का जो बेसिक साइज है उसी के इक्वल होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जिसमें टॉलरेंस होती है होल में वो मिनिमम साइड में नहीं होती है, वो प्लस साइड में होती है, इसलिए हम लिमिट जीरो, इसलिए जीरो लाइन को हम बेस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, या होल का बेस डाया भी बोलते हैं जीरो लाइन को, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरी तरीके से फिटमेंट को समझते हैं, शाफ्ट बेस सिस्टम। इसमें जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है शाफ्ट बेस सिस्टम, इसमें जैसा हमने होल बेस सिस्टम में डिस्कस किया था इसका बिल्कुल अपोजिट है। होल बेस सिस्टम ने हमने डिस्कस किया था कि होल का डाया फिक्स होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो शाफ्ट का जो डायमीटर है वो हम फिक्स होता है, और होल का जो साइज है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने फिटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें क्लियरेंस फिटमेंट चाहिए तो हम क्लियरेंस फिटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने साइज़ को, होल के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर हमें ट्रांजिशन फिटमेंट या इंटरफेरेंस फिटमेंट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम होल के डायमीटर को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि हमने होल बेस सिस्टम में डिस्कस किया था कि जो बेस लाइन होती है वो होल की लोअर लिमिट होती है, ठीक है, लेकिन शाफ्ट में क्या है कि जो बेस लाइन होती है यानी कि जो जीरो लाइन होती है वो शाफ्ट का जो है वो अपर डायामीटर होता है, शाफ्ट की जो अपर लिमिट होती है वो जीरो लाइन होती है यानी कि बेस लाइन होती है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये कोई होल है हमारा, ये होल की लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और ये होल की जो है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ठीक है, और ये कोई शाफ्ट है हमारा जिसका जो है अपर लिमिट जो है वो फिक्स रहेगी, यानी कि जो इसमें जो टॉलरेंस रहेगी वो शाफ्ट की टॉलरेंस रहेगी जो कि लोअर साइड में रहेगी, ठीक है, अपर साइड में हम इसको नहीं बना सकते शाफ्ट को, शाफ्ट बेस सिस्टम में ध्यान रखना ये बात, और होल बेस सिस्टम में हम होल को जो है वो लोअर साइड में नहीं बना सकते, ठीक है। तो
इसमें जो शाफ्ट की जो टॉलरेंस रहेगी वो हमारी नेगेटिव साइड में रहेगी, ठीक है। और होल का जो डायमीटर है हम उसको अपने फिटमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द जीरो लाइन विल बी लाइंग ऑन द मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, जो जीरो लाइन है या जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं वो शाफ्ट की अपर लिमिट रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा होल बेस सिस्टम एंड शाफ्ट बेस सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ फिट, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ फिट क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, टू डिस्क्राइब कम्प्लीटली ए होल और ए शाफ्ट इट्स बेसिक साइज। ये दोस्तों डेजिग्नेशन ऑफ फिट क्या करता है, ये किसी होल को या किसी शाफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जनरली क्या करता है, होल को जो डिस्क्राइब करेगा वो कैपिटल लेटर में डिस्क्राइब किया जाता है, और शाफ्ट को जब भी डिस्क्राइब किया जाता है वो स्मॉल लेटर में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। आपने दोस्तों ड्राइंग में कई बार ऐसा देखा हुआ मिलेगा कि कोई डाया है और उस पर हमने 20H7 लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, या कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा 20G7 स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में, ठीक है। आपने इस प्रकार का कोई ड्राइंग में देखा होगा। अब समझते हैं ये क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट ड्राइंग में कुछ लिखा हुआ है 50H6, ठीक है। 50 का मतलब होता है बेसिक साइज, ठीक है। कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट लेटर अगर कैपिटल में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो बेसिक साइज है 50 mm वो होल का जो बेसिक साइज है, ठीक है। और जो 6 है वो है IT grade 6, ठीक है। IT grade क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं 20H7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो H है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, और 20 जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिक साइज को रिप्रेजेंट करता है। H का मतलब है शाफ्ट और 7 का मतलब हो गया IT grade 7, ठीक है। यानी कि जो 20 mm है ये शाफ्ट का जो है ये उसका बेसिक साइज है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स थोड़ा और डिटेल में समझते हैं फॉर शाफ्ट फिटमेंट के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि स्मॉल लेटर को हम शाफ्ट के लिए डिनोट करते हैं, अगर आपका स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल एच तक कोई लेटर आपको मिले तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्लियरेंस फिट मांगी हुई है, ठीक है। यानी कि क्लियरेंस फिट के लिए वो साइज दिया हुआ है, वहाँ पर क्लियरेंस फिट होनी है। अगर वहाँ पर स्मॉल जे से लेकर के स्मॉल एन तक कोई भी साइज मिले इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ट्रांजिशन फिटमेंट मांगी हुई है, या जो साइज जो है वो ट्रांजिशन फिटमेंट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी स्मॉल पी से लेकर के स्मॉल जेड तक कोई भी मिले तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इंटरफेरेंस फिट की डिमांड की हुई है, यानी कि वहाँ पर इंटरफेरेंस फिट यानी कि जो साइज दिया हुआ है वो इंटरफेरेंस फिट के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आपके पास दिया हुआ है 45F7/G7, ठीक है। तो जो ये 45 है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक साइज को। अब कैपिटल में एफ दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि डेविएशन फॉर होल, यानी कि होल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 45 जो है वो बेसिक साइज हो गया किसका, होल का, और 7 क्या हो गया, आईटी ग्रेड हो गया होल के लिए। दोस्तों ये आईटी ग्रेड जो होता है ये शाफ्ट के लिए और होल के लिए अलग अलग होता है, इसके लिए हमें टेबल देखनी पड़ती है, ठीक है। तो 7 हो गया आईटी ग्रेड होल के लिए, जी जो है ये स्मॉल लेटर में है इसका मतलब ये है कि शाफ्ट को डिनोट करता है, ठीक है, और स्मॉल लेटर में जी है तो इसका मतलब ये है ये जो साइज दिया हुआ है ये क्लियरेंस फिट के लिए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरेंस फिट होनी है। और 7 का मतलब हो गया आईटी ग्रेड फॉर शाफ्ट के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, स्मॉल जी डिनोट्स फॉर क्लियरेंस फिट, यानी कि स्मॉल जी जो है वो क्लियरेंस फिट को डिनोट करता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आईटी ग्रेड, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटी ग्रेड क्या होता है, कितने प्रकार के आईटी ग्रेड होते हैं और इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उनको भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, ठीक है। दोस्तों जय हिंद जय भारत।